शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और ज्वालाबारी, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन भीग गए। मौसम दोबारा से सर्द हो गया। गुलशन रावी, मुस्लिम टाउन, बरकत मार्केट, माल रोड, लिबर्टी मार्केट में भी तेज बारिश। महकमे मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। निगरान हुकूमत का एक और मंसूबा मुकम्मल। सर्विसेज अस्पताल की इमारत की 60 वर्ष के बाद रीवैम्पिंग। इमारत में सेंट्रल एसी सिस्टम नस्ब। एसी न चलने का दरीना मसला हल हो गया। सेंट्रल एयर कंडीशन की तनसीब साबिक वजीर आला मोहसिन नकवी की हदायत पर की गई। मरीजों और तिबी अमले को आरामदेह माहौल मुयसर होगा। हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी। अस्पतालों में डॉक्टर्स और अद्वियात यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत 3 घंटे तवील इजलास। हेल्थ सिस्टम की तश्कीले नौ। महकमे सेहत के अपग्रेडेशन के 5 साल प्लान पर बात। BHU और RHC की अपग्रेडेशन का जायजा लिया गया। साबिक निगरान वज़ीर आला के मंसूबे तकमील के करीब। रावी ब्रिज तौसी मंसूबे के 96 में से 51 ग्रिडर्स तैयार। दोनों अतराफ पाइल वर्क दिन रात जारी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड और रावी ब्रिज की तौसी का जायजा लिया। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। बानी PTI की कॉल पर GPO चौक में मुजाहरा। शालामार समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी एहतजाज। सलमान अक्रम राजा, इमरान अहमद समेत दीगर रहनुमा शरीक। पुलिस का PTI रहनुमाओं को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। शहजाद फारूक, जीशान रशीद, अफजाल पाहट समेत मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। साबिक निगरान हुकूमत के इकदाम के मुस्बत असरात। CBD ने फेज 2 के लैंडस्केप, इलेक्ट्रिकल और अलाइड वर्क्स का टेंडर खोल दिया। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज और IKN इंजीनियरिंग की कम बिड वाली कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने फेज 2 पर काम शुरू करने के अहकाम दिए थे। स्कूलों से गैर हाजिर बच्चों के लिए बड़ी खबर। वजीर आला का बच्चों को घर की दहलीज पर मुफ्त तालीम के लिए नए स्कूल बनाने का ऐलान। सरकारी स्कूलों के लिए मुख्तस एराजी का रिकॉर्ड तलब। सिर्फ स्कूल एजुकेशन के नाम एराजी पर नए स्कूल बनेंगे। प्राइमरी को मिडिल और मिडिल को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी का गच्चों के गायब ढक्कन फौरी लगाने का हुक्म। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी फ़ाल करने की हदायत। शहर में सफाई आगाही मुहिम का आगाज। पैनोरामा सेंटर, दुल्हा मार्केट, माल रोड पर ट्रक कार्ट से मुजैन कंटेनर नस्ब। LWMC की माल रोड और लिबर्टी मार्केट में सफाई आगाही वॉक, पंपलेट तकसीम किए। पूरा लाहौर साफ होगा, हर महकमा जुम्मेदार होगा। डिवीजन में 4 मार्च को रमजान पैकेज शुरू किया जाएगा। काम करदा डाटा को 100% तस्दीकी अमल से गुजारा जा रहा है। कमिश्नर की जेरे सदारत तमाम महकमों का इजलास। कहा सफाई के लिए रेलवे, कैंटोनमेंट और MCL हदूद की कोई तकसीम नहीं। जिना अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का 112वां इजलास। सदारत चेयरमैन, बोर्ड ऑफ मैनेजर, मैनेजमेंट ऑफ डॉक्टर गोहर एजाज ने की। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर डॉक्टर आयशा आरिफ, डॉक्टर याहिया सुल्तान, डॉक्टर हारून साहबजादा मुजफ्फर की शिरकत। गोहर एजाज ने कहा कि गर्मियों से पहले अस्पताल के AC सर्विस कराई जाए। पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के साथ मुआहदा किया जाए। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। सैकड़ों कानून शिकन गिरफ्तार। 2 दिन में 746 पतंगबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 654 को हवालात में भेजा जा चुका। लाहौर, शेखपुरा, गुजरांवाला और दीगर शहरों में पतंगबाजी के वाकयात रिपोर्ट। वजीर आला मरियम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब। मौसम की तब्दीली के बावजूद नमूनिया वायरस बच्चों पर हमला आवर। पंजाब में नमूनिया बुखार में मुब्तला, मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 131 नए मरीज रिपोर्ट। मजीद 527 बच्चे नमूनिया बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के असरात। अशियाई खुरनोश के दाम भी बढ़ने लगे। रहू मछली की कीमत में 230 रुपये तक का इजाफा। बीफ 900 और मटन 2500 तक किलो फरोख्त। सब्जी और फल फरोशों ने भी कीमतों में 15% इजाफा कर दिया। इच्छा में खातून को हिरासत करने का केस। पुलिस ने मुतअद्दद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR की कॉपी आला पुलिस ऑफिसर के हुक्म पर सील। SHO इच्छा बिलाल मुदई बने। 5 नामजद और मुतअद्दद नामालूम अफराद शामिल।
लाख कोशिश के बावजूद पुलिस का रवैया तब्दील ना हुआ। दो माह में पुलिस के खिलाफ 22,000 से ज्यादा शिकायत मौसूल। मुकदमात के आदम इंदराज, नाकिस तफ्तीश की शिकायत आम। इख्तियारात से तजावुज, करप्शन के भी चार्ज। आईजी ऑफिस की हदायत पर 2100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज कराए गए। पंजाब भर की 25 सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स नहीं। लाहौर की भी बेशतर जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स नहीं हैं। तकर्री के लिए नया प्रोसेस शुरू करने की समरी तैयार। महकमे हायर एजुकेशन ने समरी तैयार की। काबीना की तश्कील का इंतजार। नई सर्च कमेटियां बनाने के लिए काबीना से इजाजत ली जाएगी। वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर्स और वाल्टन रोड के अपग्रेडेशन। फ्लाईओवर 1 की एमएससी वॉल का 70% काम मुकम्मल। वाल्टन रोड तक अप्रोच रोड पर भी सब बेस का काम मुकम्मल कर लिया गया। सीईओ सीबीडी इमरान अमीन की जेर सदारत इजलास। इमरान अमीन ने कहा कि दोनों मंसूबे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में मुस्बत इजाफा होगा। गवर्नर बिलीगुर रहमान से तालीमी इदारों के वफद की मुलाकात। वफद में अमेरिकन माहरीन तालीम, कनेट कॉलेज की फैकल्टी मेंबर्स शामिल। प्रिंसिपल कनेट कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना डेविड ने क्यादत की। तालीम के शोबे में तआवुन, तहकीक को फरोग देने पर तफसीली बातचीत। सेक्रेटरी सनत का पीएसआईसी हाउस का दौरा। एहसान भुट्टा ने पीएसआईसी हाउस का तफसीली मुआयना किया। एमडी सिद्रा यूनस, कंसल्टेंट्स मकसूद अहमद भी हमला थे। सेक्रेटरी सेहत की इमारत में कुदरती वेंटिलेशन और लाइट्स को यकीनी बनाने की हदायत। विफाकी वजीर इंसानी हकूक खलील जॉर्ज का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। पंजाब में अकलीतों के हकूक के तहफ्फुज समेत सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिविल सर्विसेज अकेडमी के वफद का फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। एट सेव किड्स मुहिम में खसूसी तौर पर शिरकत। डीजी से मुलाकात। पीएफए एक्ट पंजाब, प्योर फूड रूल्स रेगुलेशंस पर ब्रीफिंग। डीजी ने अफसरान के सवालात के तफसीली जवाब दिए। सूफी बुजुर्ग मादुलाल हुसैन का उर्स मजार पर 3 रोजा तकरीबात का आगाज रस्म चादर पोशी से हुआ। लाहौर में मेला चिरागा का आगाज। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में हाजिरी। फातिहा ख्वानी की। ब्रिटिश काउंसिल के जेर एहतमाम विमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल अल्हम्ब्रा के हॉल 1 और 2 में तकरीबात का इनेकाद। ख्वातीन की बड़ी तादाद आई। मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज रहे।